नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग चलाने वाले हैं 2015 डीजल पोलो, विच इज़ 1.5 मैनुअल ट्रांसमिशन रहने वाला है ये। एंड चलाते हैं, देखते हैं कैसी लगती है गाड़ी, इंजन का रिस्पांस क्या है, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कार्स एंड बाइक्स से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए। तो हाँ जी, तो दिस इज़ द डीजल इंजन जो कि आपका है 1.5 एंड पावर फिगर्स और जो टॉप फिगर्स है वो आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगे। चलते हैं, इस तरीके का हॉर्न है इसका एंड एक्सेलरेटर पे पैर रखो एकदम से और जो है रिस्पांस आपको तुरंत ही मिलेगा। भाई 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 भाई, जो टॉर्क है और जो मजा आता है इसे चलाने, एक तो हैंडलिंग इतनी ज्यादा अच्छी है आपकी। देखो आप जैसे ही 2000 आरपीएम पे गए, आपने जैसे खींचा, मतलब मेरा, मैं खुद सीट में जा रहा हूँ प्रॉपर। हाईवे पे चलते हैं थोड़ा सा, हैंडलिंग बहुत ज्यादा अच्छी है, स्टीयरिंग बहुत ज्यादा प्रिसाइज है और इंजन थोड़ा सा आपको नॉइजी लगेगा लेकिन डीजल इंजन है तो चलता है इतना तो। एंड चलते हैं थोड़ा सा हाईवे पे। भाई क्या भागती है, क्या भागती है, मतलब 2015 मॉडल है, ऑलमोस्ट अब 6-7 साल पुरानी गाड़ी है लेकिन क्या रिस्पॉन्स है गाड़ी का। चलने में तो दोस्तों कोई कमी नहीं है, कोई भी कमी नहीं है गाड़ी में। ये तो हैंडलिंग बड़ी अच्छी है, आप मतलब थोड़ा सा भी स्टीयरिंग इधर उधर करिए, गाड़ी बड़ी अच्छे से हैंडल होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा भी हैसल हो या फिर अब कुछ ऐसी परेशानी हो कि स्टीयरिंग का रिस्पांस अच्छा नहीं है या गाड़ी का मतलब बॉडी रोल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर्विसिंग जरूर थोड़ी सी महंगी है अगर नॉर्मल किसी गाड़ी से कंपेयर किया, मतलब ह्यूंडई और मारुति की जो गाड़ी है, जितनी भी हैचबैक है उनसे अगर थोड़ा सा कंपेयर करेंगे तो सर्विस थोड़ी सी महंगी है लेकिन वैसे गाड़ी अगर देखी जाए तो वर्थ है यार, वर्थ है। मतलब आप थोड़ा सा ज़्यादा सर्विस भी देते हो लेकिन जो रिस्पांस है इंजन का, जो मतलब फील है गाड़ी का, उसके लिए उतना चलता है। तो आप बात कर लेते हैं क्या है। तो यार देखो, गड्ढों वड्ढों में से कोई ज़्यादा आवाज़ नहीं है किसी भी तरीके की, आपको रैटलिंग नॉइस नहीं मिलेगी, भले ही थोड़ा सा जो है 6-7 साल पुरानी गाड़ी है लेकिन रैटलिंग नॉइस वगैरह आपको नहीं मिलेगी गाड़ी के अंदर किसी भी तरीके की। बाकी आपका जो गड्ढे वगैरह है उनके ऊपर से भी बड़ा अच्छे से ग्लाइड करते हुए निकल जाते, तो कोई समस्या इस तरीके की नहीं है। रिस्पॉन्स तो यार इंजन का बहुत ज्यादा अच्छा, देखो बहुत सही, बहुत ज्यादा सही भाई, नो ब्रेनर रही गाड़ी। अगर आपके पास 3-4 लाख रुपए का बजट है, आपको यूज्ड गाड़ी देख रहे हो, नो ब्रेनर गाड़ी है। मतलब आप सोचो ही मत, डीजल चाहिए स्पेशली, आंखें बंद करके चले जाओ इस गाड़ी के साथ। Thank you.
ब्रेक्स बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। एंड प्राइसिंग में देखिए, प्राइसिंग की अगर आपको बात करूं, आपको एक अच्छी कंडीशन की 2014-2015 गाड़ी आराम से जो है आपको 4 लाख रुपए तक आराम से मिल जानी चाहिए। 3-4 लाख रुपए का ब्रैकेट है, आपको एक अच्छी गाड़ी 15-16 वेरिएंट की आपकी जो है डीजल वाली आराम से मिल जाएगी। माइलेज की अगर मैं बात करूं, आप अगर आराम से चलाते हो, आप लाइट फुट से चलाते हो, आराम से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 18 तक का एवरेज, 17-18 का। सिटी के अंदर वही आप लेके चलिए 12 का एक फिगर,